और भाई कमेंट करके मुझे ये जरूर बताएं ओडीआई में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर कौन से बैट्समैन का है और कितना है। 40-45 डिग्री तो हो चुका होगा। कैच आएगा। आउट है। 3-2-1 जय माता दी। Hey guys, welcome back to another vlog of Cricket Cardio. I hope आप सभी अच्छे होंगे। आज आपका भाई सेकंड ODI मैच लेके आ गया। फर्स्ट ODI मैच जिसने भी नहीं देखा है उसमें आपके भाई ने कैप्टनसी की थी। यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, जाके वो वाला ब्लॉग भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आज के ब्लॉग में भाई हम सेकंड अपना ODI मैच खेलने वाले हैं और इस सीरीज का नाम लव सीरीज रखा गया है क्योंकि भाई दोनों ही टीमें मेरी जान पहचान की है और दोनों ही टीमों से मैं मैच खेला हुआ हूँ, तो उन्हीं के आपस में हमने एक मैच कराया। देखते हैं कौन सी टीम ज्यादा दमदार है और आज का मैच कौन सी टीम जीतने वाली है। तो आप सभी को भाई ब्लॉग लास्ट तक जरूर देखना है। आज है वेडनेसडे का दिन और सुबह के बज रहे हैं भाई 7:30। हमें 7 बजे बोला गया था कि ग्राउंड में आ जाना, 7:30 तक मैच स्टार्ट हो जाएगा, बट ये 15 मिनट आ गए तो 7:20 के आसपास टाइम हो रखे है। यहाँ से बस 10 मिनट का रास्ता है तो 7:30 तक हम आराम से पहुंच जाएंगे ग्राउंड में और भाई उसके बाद आप सभी को ग्राउंड दिखाने वाले हैं जिसमें हमने टेस्ट मैच खेला था, उसी ग्राउंड में आज का मैच होने वाला है। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना और भाई कॉमेंट करके मुझे ये जरूर बताएं ODI में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर कौन से बैट्समैन का है और कितना है। भाई अभी की टेम्परेचर की मैं आप सभी को बात करूं तो भाई 32 डिग्री तो अभी हो रहा है सुबह बिल्कुल सुबह 7 बजे के आसपास मैंने देखा था तो 32 डिग्री हो रहा था और बता रहे हैं 2-3 बजे तक 42-43 डिग्री पहुंच सकता है। भाई आज की गर्मी भी सहनी है भाई बहुत टाइम बाद, मतलब हम 50 ओवर्स का मैच खेल रहे हैं, 1 महीना हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अब चलते हैं ग्राउंड में, यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है, फटाफट से ग्राउंड में चल के आप सभी को टीम वालों से मिलाते हैं और देखते हैं टॉस हो चुका है या फिर टॉस होने वाला है। जबरेल भाई हाउ आर यू सर? पहले तो काफी टाइम बाद यस, बहुत अच्छा। कैसे चल रही है प्रैक्टिस? प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। के बारे में क्या कहना आपका? पिच तो अच्छी है, शुरू के 3-4 ओवर बैट्समैन को स्ट्रगल कर। कौन सी तुम अगेंस्ट में खेल रहे हो या हमारे साथ ही? अगेंस्ट क्या, दोनों एक ही टीम है। दोनों तो अपनी है बट कोई एक टीम तो होगी। भाई आपका भाई आ चुका है ग्राउंड में और भाई टॉस हो चुका है, हमारी टीम टॉस जीत चुकी है। टॉस जीतते ही भाई हमने सबसे पहले बैटिंग चूज करी है भाई अपना, बढ़िया। और 3 मैच की ये सीरीज होने वाली है जैसा कि प्रेम भैया ने हमें बताया, तो देखेंगे तीनों मैचों में कौन सी टीम किस पे हावी रहने वाली है। आज इसका पहला मैच है और भाई आज का ग्राउंड में आप सभी को दिखा देता हूँ। रोहित भैया को स्पेशल मेंशन यार, बहुत प्यारा मेंटेन कर रखा है ये वाला ग्राउंड भाई, मजा ही अलग आ जाता है इस ग्राउंड पे खेलने का। और विकेट में आप सभी को दिखा देता हूँ, ये तो अभी नहीं है, ये वाली भी बन रही है, तो आज हमको ये वाली विकेट मिली है भाई। हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए और आजकल जब पैसे होना इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, जैसे ही बात एक्स्ट्रा अर्निंग की आती है मेरे दिमाग में ओलम ट्रेड आता है, क्योंकि ओलम ट्रेड में प्रॉफिट्स की ही बात नहीं होती, उसमें लर्निंग और सीखने की भी बात होती है। इस प्लेटफॉर्म पर इतना बड़ा और एक्सटेंसिव ट्रेनिंग बेस है जो एक्सपर्ट्स के साथ साथ बिगनर्स के लिए भी सब कुछ प्रोवाइड करवाता है। और अगर तुम्हें अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो ओलम ट्रेड के पास एक ऐसी टीम ऑफ एनालिस्ट जो कि वही के वही आपको सिग्नल्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो तभी सिग्नल लो और अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो, है ना माइंड ब्लोइंग? हजारों इंडियंस ने ऑलरेडी ओलम ट्रेड पर रजिस्टर कर लिया है और काफी सारे पैसे कमा रहे हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हो। मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत अच्छा ऑफर, मेरे सब्सक्राइबर्स को मिलेगा एक गिफ्ट लूट बॉक्स जिसमें होगा एक पेड ट्रेडिंग टूल, वो भी बिल्कुल फ्री, जो डिपॉजिट करते ही अवेलेबल होता है। मैंने तो अपना लूट बॉक्स खोल लिया है, मुझे मिला है एक्सपर्ट स्टेटस। एक्सपर्ट स्टेटस मतलब मेरे को मिलेगा 10% ज्यादा प्रॉफिट और मैं किसी भी एनालिस्ट को कॉल कर सकता हूं पर्सनल कंसल्टेशन के लिए महीने में 4 बार। बाय द वे दोस्तों, ये स्टेटस $500 का मिलता है पर आपके लिए और मेरे लिए ये है बिल्कुल फ्री। तो सोच क्या रहे हो, आज ही जाओ ओलम ट्रेड को ट्राई करो, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनालिस्ट से सिग्नल लेके ट्रेड करिए और अपनी डिपॉजिट्स को वापस भरने के लिए यूज करिए मेरा प्रोमो कोड MT30 और खोलिए अपना लूट बॉक्स और इसी के साथ पाइए 30% बोनस भी। हेलो भाई, लेफ्टी राइटी, शाबाश शाबाश। कप्तान, स्कोर प्रेडिक्शन? 256। आदित्य? 300। भाई तो 400 मार, 200 तो अकेले ही बनाएगा। 300। 250।
सतीश हार्ड लक ब्रो भाई, कैसे आउट हो ये तो बता दे। बहुत ज्यादा रुकी है, बहुत ज्यादा गाइज हमारी एक विकेट गिर चुकी है दूसरी बॉल पे और जीरो रन है अभी और वहाँ पे मैच चलता हुआ। सबकी स्कोर प्रेडिक्शन भाई 200 250 300 इसी के आसपास है, ट्राई करेंगे इतना स्कोर बनाने का। बाकी बॉल रुक के आई है जिस पे सतीश भाई आउट हुए हैं, बहुत ही बॉल रुकी है और फिर सीधा कवर्स के हाथ में कैच आउट हो गए। हमारे फील्डर क्या कर रहे हैं? एक और मंगा लो। हमारे वाले बैठे हुए हैं, ला रहा है। 9 ओवर 29 रन, 9 ओवर 29। भाई अभी इसी के साथ एक ड्रिंक्स ब्रेक हो चुका है, 9 ओवर में हमारे 29 रन है और एक विकेट गिर चुकी है। लेट्स सी, अभी आपके भाई की बैटिंग नहीं आई है, देखते हैं बैटिंग कब तक आएगी, आएगी भी या फिर नहीं। क्या कही थी मैंने, छोड़ दोगे तुम? शाबाश यार। तो गाइस 42 या 43 ओवर में जाके आपके भाई की बैटिंग आई है और भाई 250 रन हमारे हो चुके हैं। लक्षित भाई बहुत ही प्यारी बैटिंग करके गए हैं। या बाहर
या एक क्या बता दो भाई बेचारे ने पिछले ओवर में विकेट ली और भाई को चेंज कर दिया गया। अरे भाई कॉल तो कर, भाग जा भाग जा भाग जा। भाग भाग चौका नहीं हुआ, लगा है यार, पैर जब लगा है पैर उसी पे था रोप पे, गुड वन यार। आजा भाई दो तक बस दो देख आजा रन यार तेज रहे, अरे शॉट यार, भाग रुकेगा शॉट यार, रहने दो भाग जा। अरे यार आते दे दी, अरे यार ये तो चली जाए यार, गाइस क्लियर नहीं हुई, मिडल लग जाती तो बाहर हो जाती, कोई नहीं मारना ही था इस टाइम पे तो। तो गाइस एक इनिंग खत्म हो चुकी है और हमारी टीम ने बनाए हैं 289 रन्स, 290 रन्स का दूसरी टीम को टारगेट है 50 ओवर में। कप्तान साहब बना पाएंगे या नहीं? अरे अभी आउट कर रहे हैं 15 ओवर। ये क्या है? अबे तेरी स्ट्रेचिंग चलती हुई यहाँ पे, स्पेशल स्ट्रेचिंग। ये देख लीजिए, ये है आज की बॉल और 50 ओवर तक डाली जाएगी, लेट्स सी कैसी रहती है बॉल। हवा चल पड़ी है हमारी बिल्डिंग आते ही, अच्छी बात है, और धूप तो काफ़ी अच्छी खासी है। कोई नहीं, 50 ओवर में हमारा तो मन कर रहा है, बैटिंग हो चुकी है तो अपने घर चलते हैं बढ़िया, और घर जाके आराम करेंगे। और मेरे स्कोर की बात करें तो यार 12 रन ही बने भाई, लास्ट में हिटिंग करने चला गया। ये वाली जो मैंने आपको बॉल दिखाई 45 ओवर तक डल चुकी थी, थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी भाई, शॉट तो बहुत प्यारा लगा था, वहाँ पे बिल्कुल बाउंड्री पे मैं कैच आउट हो गया, प्रेम भैया ने मेरी कैच पकड़ ली, बहुत ही अच्छा शॉट लगा था, बट वो पता नहीं बाउंड्री तक गई कैसे नहीं। हमारे अंपायर से मिल लीजिए जिन्होंने हमारी कैच पकड़ी, हवा चलती हुई, बेल्स गिरती हुई। राजा मार क्यों टेंशन ले रहा है, क्यों टेंशन ले रहा है, रुकेगी आदि पकड़ दक्ष ऑफ से भाई, ठीक है ऑफ से पकड़ के शाबाश, कैच, यही तो है लाइन, यही लाइन है तेरी, मारने जाएंगे आउट, लेग में कुछ नहीं है ना, वो LBW देंगे, LBW मतलब बिल्कुल प्लम होगा ना, तब यार उंगली उठाएंगे। 3-2-1 जय माता दी। आ जाओ वापस आ जाओ, बैट बॉल, गुड वन, ठीक है ऊपर डाल दिया यार तूने, उन्होंने कहा कि इसके बाहर क्यों, इसके बाहर क्यों,
रुकेगी, रुक, कोई नहीं कोई नहीं। मैच 10 ओवर में स्कोर हो चुका है, 70 रन्स और एक विकेट हो चुकी है और ये भाई आउट होने का नाम नहीं ले रहे हैं। 40-45 डिग्री तो हो चुका होगा, हवा चल रही है बस, एक ही अच्छी बात है। How is that? भागी एक ही है, एक ही एक ही एक ही एक ही है। वाइड भाई आउट आएगा, यहाँ टॉप एज यहाँ पे कहीं कैच आउट है, अगर ये डालेंगे तो बात। क्या बोला था? अरे बहुत बाहर की छेड़े जा रहा था यार। एक बॉल पहले ही, मतलब जो बॉल डालने वाले थे उसी में मैंने बॉलर को बोला था थोड़ी बाहर रखना, क्योंकि ये बाहर की बॉल छेड़े जा रहे थे, तो ऐसे थोड़ा बहुत बैट्समैन को रीड करना आना चाहिए। जैसे ही उन्होंने बाहर डाली और वहाँ पे कैच आउट हो गई। और पिछले ओवर में राघव भाई साहब यही बात हो रही थी, जो नौ स्ट्राइकर पे हैं उनसे यही बात हो रही थी कि भाई ये बाहर वाली छेड़ेगा और आउट है। हाय हाय हाय, शाबाश शाबाश। आधे घंटे की डिस्कशन है, नो बॉल के ऊपर चर्चा चल रही है, तो ये आप भी देख लीजिए। अगर जब ऐसे पैर होगा, ऐसे हवा में आपको पूरा देखो, प्रियांश ये डाल रहा है, कुछ रूल्स हैं जो कि मतलब टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं, बट आप सभी को भी पता होनी चाहिए। अरे भाई, बहुत ही स्लोअर वन बॉल डाल दी थी और ये आपके भाई के ग्लव्स में आ गई। बस 30 ओवर हो चुके हैं और भाई दूसरी टीम को 20 ओवर में अब 109 रन चाहिए और 6 विकेट उनके हाथों में है। भाई बुरा हाल हो चुका है, सबकी एनर्जी डाउन हो चुकी है। सर टाइम तो ज्यादा 7:15 का, 7:30 स्टार्ट हो जाएगा, 7:30 साढ़े आठ भी नहीं, 9:22 पे स्टार्ट हो। अरे भाई उस बंदे ने ना बॉल का पीछा नहीं, यहाँ से जिता देगा। पकड़ियो, अरे रोक, फील्ड है यार, फील्ड है, फील्ड है, भागो भागो भागो। कहाँ लगी थी भैया? सर लालो के बैटर नीचे भी लगा, बॉल पे भी लगा, डिफ्लेक्शन आई है मेरे पे, एज आउट था या फिर नहीं कमेंट करके जरूर बताना। मार मार मार, अरे भैया भाग जा भाग जा, मार राघव भाई की हुई 150 और यहाँ पे MS धोनी वाला अटेम्प्ट था डिफ्लेक्शन के साथ स्टंप पे।
कैच। ओहो क्या कूल 30 वाले से मिलना है मुझे तो। वेल मैन आरबी, आपकी टीम को दो बार आउट करके हमें अच्छा लगा, आपको तो तीन बार करा, आपकी तो बैटिंग नहीं आई। तो भाई वो टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 5:30 और मैच खत्म हो चुका है। अब ये थोड़ा किट वेट भी हमने पैक कर लिया, रिलैक्स भी कर लिया है। हमने 289 रन बनाए, हमारी टीम ऑल आउट हो गई थी 48 ओवर में ही, और दूसरी टीम ने बदले में ये चेज कर लिया 291 रन और 4 विकेट से वो मैच जीत गए हैं। दूसरी जो हमारी टीम थी वो भी सारे जानकार थे भाई, उस टीम से भी मैं खेला हुआ हूँ। आपने जो टेस्ट मैच देखे होंगे JSR JH जो टीम है वही टीम हमारे अगेंस्ट थी, तो थोड़े बहुत प्लेयर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे इधर उधर। तो ये एक लव सीरीज खेल रहे हैं हम, 3 मैच इसमें होंगे, पहला वो जीत चुके हैं। अब देखते हैं बाकी 2 मैच इसमें क्या होने वाला है, ये एक सीरीज टाइप हमने बना दी है। और वहीं पे टॉप परफॉर्मर की बात करें तो भाई राघव भाई ने बहुत बढ़िया बैटिंग करी, एक भी चांस नहीं दिया, 150 रन स्कोर करे उन्होंने पूरे और नॉट आउट गए हैं। और वहीं पे हमारी टीम से लक्षित भाई ने 128 रन बनाए, बहुत ही प्यारी बैटिंग करी है भाई दोनों ने। इसी के साथ आज का दिन खत्म हो चुका है, देख लो भाई ग्राउंड खाली हो चुका है और यहाँ पे ये एकेडमी होती है, एकेडमी की प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है और वहाँ पे देखो स्ट्रेचिंग चलते हुए। टाइम हो चुका है घर जाने का। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना और कमेंट में बता देना भाई ODI में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर कौन से बैट्समैन का है, वो मुझे कमेंट करके बता देना, और ये भी बता देना कितना उनका स्कोर है। अब हम आपको मिलेंगे जल्दी एक और नए ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, क्रिकेट खेलते रहिए। जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।